हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल का नाम है ट्विंस विद हिज मम्मी। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि लेमन जूस को पूरे साल भर के लिए कैसे स्टोर करते हैं। इसके लिए पहले लेमन को हम अच्छे से वॉश करके सुखा लेंगे और फिर हाफ कट लगा देंगे सूप में। अब हम लेमन स्क्वीजर से सारा लेमन का जूस निकाल लेंगे। फ्रोजन वेजिटेबल और फ्रूट्स करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बिल्कुल भी कट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। अदरवाइज पावर कट होने पे सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएगी जो आइस बनी हुई है और आपकी फ्रोजन चीज़ें ख़राब हो जाएगी। सिंगल डोर के फ्रिज में आप कोई भी चीज़ फ्रोजन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सारी चीज़ ख़राब हो जाती है, फ्रिज बार बार डिफ्रोस्ट होता रहता है। डबल डोर के फ्रिज में आप कोई भी चीज़ फ्रोजन कर सकते हैं। मैंने लेमन से सारा जूस निकाल दिया है। आप ये लेमन के छिलकों का अचार भी बना सकते हो या फिर इसे धूप में सुखा के। अगर आप कुकर में छिलके डालते हो लेमन के तो मैं तो इस तरह से सुखा लेती हूँ और प्लास्टिक की किसी जार में भर देती हूँ धूप में सुखाने के बाद। इस तरह से सूखने के बाद हो जाते हैं। ये मैं सुखा देती हूँ और किसी भी प्लास्टिक की बॉटल में इस तरह से भर लेती हूँ। अब हम लेमन जूस को छन्नी से छान कर एक ग्लास की बॉटल में भर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने ग्लास की बोतल में लेमन जूस भर दिया है और मैंने इतना पोर्शन है वो खाली रखा हुआ है, मैंने पूरा फिल नहीं किया है क्योंकि मुझे इसको फ्रीजर में स्टोर करना है। अगर आप इतना पूरा फुल भर देंगे तो ये फ्रीजर में ब्लास्ट होगी बोतल, आपका फ्रीजर डैमेज होगा। तो आपको इतना 80-75% ही फिल करना है, बाकी का ऊपर का प्रोपोर्शन है वो खाली छोड़ना है क्योंकि लेमन जूस जब आइस बनेगा तभी वो थोड़ा फूलेगा, उसकी साइज में थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो फिर आपको उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़नी है, अदरवाइज वो ब्लास्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, आप जब भी फ्रीज लेते हैं तो ऊपर मैनुअल में या कहीं पे भी लिखा हुआ रहता है कि फ्रीजर में ग्लास की बॉटल नहीं रखनी है, लेकिन आप इतना खाली रखोगे तो आप रख सकते हैं। अगर पूरा फिल करोगे तो आपकी बॉटल ब्लास्ट हो जाएगी अंदर। अभी इसे मैं फ्रीजर में रख दूंगी और ये पूरा साल भर अच्छा ही रहेगा। जब भी मुझे यूज करना रहता है मैं थोड़ा टाइम पहले बाहर निकाल देती हूँ, 1 या 2 चम्मच जितना भी मुझे रिक्वायरमेंट है, जब भी उतना मेल्ट होता है उतना मैं निकाल लेती हूँ, बाकी का वापस मैं फ्रीज में मैं रख देती हूँ। पहले मैं आइस क्यूब बना के रखती थी लेकिन आइस क्यूब में मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी कि थोड़े मंथ बाद आइस क्यूब एक दूसरे के साथ बहुत बुरी तरह से स्टिक हो जाते थे, वो अलग ही नहीं हो पाते थे। तो मुझे ये मेथड थोड़ा ईजी लग रहा है। आपको अगर आइस क्यूब बना के सेट करना है तो आप उस वैसे भी कर सकते हैं। ये मेरा है लास्ट विंटर का, बिल्कुल भी अच्छा है, एकदम खराब नहीं हुआ है। देखिए जूस एकदम सेट हुए, इतना प्रोपोर्शन मैंने खाली रखा था ऊपर क्योंकि आइस को जगह चाहिए बनने के लिए, आप पूरा फिल नहीं कीजिए। ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है और ये मेरा लास्ट जार बचा है, अभी ये टाइम में यूज कर लूंगी।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।